शहर के व्यस्त मार्ग इंदिरा मार्केट से शिवम मॉल तक सड़क के मध्य बने डिवाइडर से स्थानीय व्यापारी हुए परेशान। डिवाइडर हटाने एवं नई डामर रोड बनाने की मांग को लेकर सौंपा गया क्या। दुर्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्ग इंदिरा मार्केट से शंकर नाले तक बने डिवाइडर से अब स्थानीय दुकानदार व व्यापारी परेशान हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जनदर्शन में पहुंचे दर्जन भर व्यापारियों ने दुर्ग कलेक्टर से इस बने डिवाइडर को हटाकर डामरीकरण सड़क बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि जब से इस मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण कराया गया है, तब से इस मार्ग में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसके चलते व्यवसाय में भी कमी आ गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मार्केट से शिवम मॉल तक के व्यापारियों को शुरू से दिक्कत रही है। जब इस 5 साल पहले ये डिवाइडर बनाया गया था, तब भी इसकी आवश्यकता इस रोड में नहीं थी, क्योंकि ये मार्केट की मुख्य सड़क है और सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ डिवाइडर बनना जाए। उस समय भी व्यापारियों ने विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध को नज़रअंदाज किया गया और डिवाइडर बन गया जिद में। लेकिन अब क्या 5 साल में अनुभव हो रहा है कि व्यापारी इस लाइन का बहुत लॉस में जा रहा है। इतनी दुर्घटनाएँ होती हैं, जाम लगता है और सारे व्यापारियों का पार्किंग की दिक्कत के कारण व्यापार सबका चौपट होता जा रहा है। इसलिए इंदिरा मार्केट से शिवम मॉल तक के समस्त व्यापारियों की मांग है कि इस डिवाइडर को तत्काल हटाया जाए और पूरी डामर रोड का निर्माण फिर से किया जाए। तो फरिश्ता कॉम्प्लेक्स पड़ता है, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि तो वहाँ चौक नहीं है, इंदिरा दोनों साइड का डिवाइडर के बीच में अटकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, ना गाड़ी मुड़ पाती है, ना कोई मतलब एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा वहीं पर होते हैं। और डेट्स वाई उसके थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो वहाँ पे एक डिवाइडर टूट भी गया है जो उसका बोलसा पारा चौक पड़ता है, तो वहाँ पे डिवाइडर एक्सीडेंट से टूट गया, जिसमें हताहत हो गए, वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए जिनका भी एक्सीडेंट हुआ था। तो ये कारण से ही ये डिवाइडर बहुत समय से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन यहाँ से कोई जवाब या आश्वासन मिलता नहीं। रोड PWD के अंतर्गत आती है, तो अभी तो निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पल्ला झाड़ लिया गया है कि यह PWD के अंदर निगम आता है और PWD के जो कमिश्नर हैं उनको यह ज्ञापन सौंप दिया गया है। और चूंकि इसके पहले जो PWD के कमिश्नर थे लक्ष्मण तिवारी जी, तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और अभी जो नए कमिश्नर आए हुए हैं उनकी नियुक्ति के पश्चात ही इसमें कुछ कार्रवाई करने की संभावना दिख रही है। व्यापारियों की तरफ से यह प्रयास है कि यह चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यह पूरी सड़क शहर की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है, जहाँ पर डिवाइडर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी तरफ में सड़क की चौड़ाई और लंबाई का जो मापदंड है वह डिवाइडर के लायक नहीं बनता है और यह प्रशासन भली भांति इस चीज़ों से परिचित भी है। ग्रैंडी CN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।